नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं अनिशा आपके साथ, और इस वक्त हम लोग तोपसिया के कोहिनूर मार्केट में हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से इस तोपसिया एरिया को जानते होंगे, और कोहिनूर मार्केट काफ़ी फेमस एरिया है यहाँ का और काफ़ी मशहूर एरिया है। यहाँ पे काफ़ी मार्केटिंग, हर तरीके की चीज़ें यहाँ मिलती है, हर वैरायटी की चीज़ें जो लेडीज़ काफ़ी शौक से लेती है, ख़रीदती है। उन लोगों को काफ़ी दूर जाना नहीं पड़ता है, बाकायदा यहीं पर अगर हम लोग चाहें तो सारी मार्केटिंग वो लोग यहीं पे कर लेते हैं। आप देख सकते होंगे अभी की भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है, काफ़ी भीड़ है। ईद का ईद आने वाली है कुछ ही दिन में, रमज़ान का महीना चल रहा है, काफ़ी भीड़ है। लोग इतनी गर्मी में भी, आपको ये पता होगा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद भी लोग रोज़ा रख करके भी वो लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, वो लोग आ जा भी रहे हैं, और कितनी बेहतरीन तरीके से वो लोग यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जनाब आमिर अली साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। पहले ये बताइए, रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? इतनी गर्मी में भी लोग रोज़ा रख रहे हैं और काफ़ी गर्म भी है। देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। रमज़ान मुबारक का महीना जो बहुत ही बाबरकत और मुकद्दस महीना है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि साबान के आखिरी तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाया कि देखो, तुम्हारे ऊपर में एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है, एक बहुत ही बाबरकत महीना आने वाला है, जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं, जिसके रात के क़याम यानी तरावी को अल्लाह ने सवाब की चीज़ बनाया है, जिसमें एक रात है सहब कदर जो हज़ार महीनों से अफजल है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में फ़र्ज अदा करता है ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा किया। तो रमज़ान जो है सबर का महीना है, और सबर का बदला है जन्नत, और जन्नत की चाबी है मिफ्ताहुल जन्नत इस्ला, की जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। तो हम सबको रमज़ान मुबारक में जिस तरह हम लोग नमाज कायम करते हैं, हम लोग सुन्नत पे चलते हैं, हम लोग बुराई को नहीं करते, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग गंदा काम गलत काम नहीं करते हैं, जिस तरीक़े से हम लोग रमज़ान मुबारक में इस सब की पाबंदी करते हैं, ऐसा हमने गैर रमज़ान के महीने में भी हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जो है अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ को हराम किया है, नमाज छोड़ना बहुत गुनाह का काम है, तो खाली रमज़ान में ही नहीं, हम लोग को गैर रमज़ान में भी इसको फॉलो करते रहना चाहिए। आप एक युवा हैं, दीन और दुनिया दोनों के रास्ते में चलते, तो न्यू जनरेशन को क्या राय देंगे? देखिए, न्यू जनरेशन को मैं एक ही राय देना चाहूँगा कि वो अपना काम को भी करे, अपने माँ बाप की भी खिदमत करे, क्योंकि अभी के जनरेशन में ज़्यादातर जो हो रहा है, बहुत से बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, वो दीन इस्लाम से हटे हुए हैं। तो जिस तरीके से वो अपना युवा है, वो अपने काम को भी ध्यान दे, पढ़ाई पे भी ध्यान दे, अपने माँ बाप की भी खिदमत करे। असल है कि कोई जितना भी इबादत कर ले, जितना भी कुछ कर ले, अगर वो माँ बाप का नाफरमान है तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ज़्यादातर बच्चे के अंदर में भी यही चीज़ है। तो युवा को अपने काम में भी ध्यान देना चाहिए, बिजनेस जॉब जो करते हैं उस सब में भी करना चाहिए, दीन इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और अपनी माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। ये सुरेंद्र जो है ये एक भाड़े का टट्टू है, वो जो बोल रहा है कि नमाज होने नहीं देंगे, ईद बकरीद की नमाज को रोकेंगे, तो मैं आमिर अली कहना चाहता हूँ, अगर सुरेंद्र के अंदर में दम है, वो एक बाप का वो बेटा है, अगर उसके अंदर में ताकत है तो वो मुसलमान की ईद बकरीद की नमाज को वो रोक के दिखाए। अगर उसके अंदर में ताकत है, उसने जो कहा है उसको हकीकत करके दिखाए। मुसलमान के मस्जिद के बाहर पर जाकर जय श्री राम का नारा लगाते हो तुम, मुसलमान की मंदिर मस्जिद को जाके तोड़ भांग करते हो तुम, मुसलमान औरत की हिजाब के ऊपर उंगली उठाते हो तुम, मुसलमान मर्द की दाढ़ी के ऊपर आवाज़ उठाते हो तुम, और अब तुम मस्जिद मुसलमान की ईद बकरीद की नमाज़ को भी रोकोगे? अगर तुम्हारे अंदर में ताकत है तो तुम रोक के दिखाओ। मेरे साथ भी तो मेरे भाई है, सिख भाई है, पाजी है मेरे, क्या तकलीफ़ है इनको मुझसे, या मुझे क्या तकलीफ़ है इनसे? अरे ये जो है जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं एकदम गलत चीज़ है, वो बेवकूफ़ है। अरे हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम लोग बाद में हैं, हम लोग पहले सुबह उठते साथ एक इंसान है, राइट? हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। जो लोग, मैं सब हिंदू को तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग हिंदू लोग मुसलमान की मस्जिद के बाहर पे जाके जय श्री राम का नारा लगाते, वो जाली हिंदू है, वो अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, वो अपना अपमान कर रहे हैं, वो राम का अपमान कर रहे हैं। तो इसी के लिए मुसलमान किसी से भी नहीं डरता है, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान ना ये सुरेंद्र जैसे भाड़े के टट्टू से डरता है, ना बीजेपी से डरता है, ना आरएसएस से डरता है। मुसलमान अगर डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है। मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है। एक ये नहीं था, लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है,
लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने पश्तून अब ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। तुम अगर फिर एक अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। बहुत सही पैगाम मैं देना चाहूँगा कि आज 23 की रात भी है शबे कदर की, तो हम लोग सब मुसलमान को अच्छे से अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और जो भी परेशानी आया है तो अल्लाह उसको दूर फरमाए। और क्या है, सबसे अच्छा चीज़ है कि हमारे अंदर में एकता होना चाहिए। कि मैंने पहले भी कहा, बाद में भी कह रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में है। पहले सुबह उठते संग हम लोग एक इंसान है। अगर मान के चलिए मैं रास्ता में मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगा है, तो क्या मैं देखूंगा मेरे सिख भाई है तो क्या मैं इनको पानी नहीं पिलाऊंगा, या मेरे हिंदू भाई है तो क्या मैं उनको पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं अपने मुसलमान भाई को पिलाऊंगा। तो जो लोग ये धर्म की राजनीति करते वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब पहले एक इंसान है, हम सबको जो है ये सब धर्म की राजनीति को ख़त्म करके हम सबको एक होकर चलना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान, इसमें हर किस्म के इंसान है, हम लोग सबको एक होकर चलना है। और जो ये धर्म का राजनीति करता है उसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना होगा, ना कि उनके साथ में हम लोग को साथ देना होगा। आमिर भाई ने बहुत सही कहा है कि मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आम नागरिक यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं इसमें कोई मुसलमान अब्दुल भी होगा और कोई हमारा हिंदू भाई रमेश भी होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, हर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक काम धंधा कर रहे हैं, इसी में लगे हैं। तो ये साधारण लोग हैं, इन्हें कोई भी लड़ाई झगड़ा या ये नहीं चाहिए। ये घर से बाहर निकलते हैं रोजी रिजक को हासिल करने के लिए, और बाहर निकलकर काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। इन आम आदमियों को ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर इनसे कोई मतलब नहीं होता है। जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पैसा लेकर या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, वही लोग इस तरह का ये माहौल बना रहे हैं और आम आदमी के बीच में भी ये दहशत पैदा कर रहे हैं कि फलां जगह ये हो गया, फलां जगह वो हो गया, और कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये जो अपने सियासत की रोटी सेकी जा रही है, और कुछ आम आदमी, आप किसी से भी आप पूछ लें, वो यही बोलेगा मैं तो सुबह उठा हूँ, काम के लिए निकला हूँ, ऑफिस के लिए आया हूँ और ये यहाँ गया हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज हमारे देखिए सिख भाई हैं, ये हमारे मुसलमान आमिर भाई हैं, हम हैं, और हमारे बहुत सारे लोग सब साथ में ही तो रह रहे हैं। साथ में आप जॉब कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में खेल भी रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट स्पेशली, तो हम लोग साथ में खेलते हैं। मेरी टीम में धीरज भी हैं, मेरी टीम में मनीष तिवारी भी हैं, हम लोग साथ में खेलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम साथ में खेलते हैं। ये अभी ईद आएगा, सेवई खाने के लिए मेरे घर में मनीष तिवारी आएंगे, और उसके बाद मैं उनके घर में जाऊँगा जब उनका प्रोग्राम होगा। तो हम लोग बहुत, ये हिंदुस्तान जो देश है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सब लोग मिलजुल के ही रहते हैं बहुत सदियों से। अभी कुछ नए लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी हमारे हिंदुस्तान चैप्टर से, हिस्ट्री से जो है मुगल को निकाला जा रहा है। कहाँ से निकालेंगे? क्या आप ताजमहल को निकाल कर फेंक देंगे? क्या आप लाल किला को निकाल कर फेंक देंगे? आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अंदर जड़ के अंदर नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने पॉकेट को सेकने के लिए, अपनी राजनीति को सेकने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान को आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। मगर आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई, ये मेरा भाई और ये मेरा भाई है। पर कुछ मुट्ठी भर लोग, आज जो दहशत होती है, सपोज आपको कहीं न्यूज़ मिलता फलां जगह दहशत हुई है, हमेशा वहाँ के लोकल लोग कभी दहशत नहीं करते, वो एक दूसरे का हेल्प करते। आप इतिहास निकालिए, चाहे आप वो बाबरी मस्जिद का इतिहास निकालिए, चाहे आप 2002 का जो गुजरात का दंगा उसको निकालिए, जो लोकल स्थानीय लोग होते हैं वो कभी भी दंगा नहीं करते। जो भाड़े के टट्टू होते हैं, जो बाहर से बुलाए जाते हैं, जो हायर पर्सन होते हैं, वो लोग दूसरी जगह जाते हैं और दंगा करते हैं, और उनका काम ही यही है दंगा फैलाना। पर जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत ही चाहता है। हिंदुस्तान क्या है? ये एक पीस कंट्री है। आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को बहुत बहुत जगह जाना जाता है, ऐसा नहीं कि दो चार कंट्रियों में जाना जाता है। लगभग 150 करोड़ की आबादी हमारी, और लगभग है तो बहुत सारे कौम और बहुत सारी जात, मगर यहाँ 6 बड़ी कौम है, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ये 6 जो है बड़ी जाति है। तो क्या वजह है जो इसके चैप्टर जो आपने बोला भी निकाल दिया गया है, तो इसकी क्या रीज़न है? क्या वजह है? बस जो सरकार में बैठे हैं उन्हें, वो क्या कर रहे हैं? कहीं नाम बदल रहे हैं? कुछ खुद तो बनाया नहीं है। एक ने तो ताजमहल बनाया और आपने शौचालय बनाया, तो ये आप डिफरेंसेस देख लीजिए। वो ताजमहल बनाकर दे रहा है, आप उसे इतिहास से हटा रहे। आप शौचालय बना रहे, जिसका अभी मैंने देखा था, एक शौचालय बनाया, 2 शौचालय एक साथ, और दोनों शौचालय का एक ही गेट है। अब बताइए, एक जाएगा तो दूसरे को खड़े होकर जाएगा या किस तरह जाएगा? तो आप तो देश से छेड़छाड़ और मजाक कर रहे हैं। मैं किसी को डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करना चाहता, मगर आप खुद सोचिए, अगर आप कोई हैं जो भी है, चाहे वो गद्दी पे बैठे, आप खुद एक इंसान है, तो एक इंसान की नज़र से देखिए कि आपका काम, आपको अगर हमने बादशाह बनाया है या वजीर बनाया है, तो आपको देश के लोगों की भलाई के लिए बनाया है। एक आम इंसान जो वोट देने जाता है, एक जो करोड़पति है उसके भी वोट का वही वैल्यू है, और एक आम इंसान जो 200 रुपये में काम करता है उसका भी वोट का वही वैल्यू है। तो वो इसी बिना पे वोट देने जाता है कि मैं जिसे चुन रहा हूँ ये आने वाले समय का मसीहा बने, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। पब्लिक को बार और बार सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। वो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, जिन्होंने कहीं ना कहीं
बहुत कंट्रोल करके रखा है, वरना और बाकी मैंने स्टेट में आप जाकर देखिए कि आप गुजरात में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। वो तो हमारा फिर भी हमारी ममता बनर्जी किसी भी तरह लोग बहुत, मैं बाहर गया, मैं यूपी भी गया, लोग बोलते रहे यार बंगाल में तो बहुत कुछ हो रहा है, मगर आइए आप हमारे बंगाल में, मेरे हिंदू भाइयों से भी आप इंटरव्यू लीजिए, वो बोलेंगे नहीं हम तो बहुत आसानी से सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आम आदमी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, जो लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन लोग चंद भाड़े के टट्टू को हायर कर रहे हैं और इस तरह का फसाद पैदा कर रहे हैं, आम आदमी चाहता ही नहीं है ये सब।